Education sparks. Let's integrate. Let's make it possible. Hello and a very warm welcome to all of the viewers of Education Spark channel. So as you know ki career counselling mein and in our day-to-day life mein humein bahut zyada counselling ki zarurat hoti hai because kaafi cheezon ko lekar hum confused hain. Jaise ki agar hum students ki baat karein, wo apne career ko lekar confused hain and agar jo hum normally logo ko lifestyle se related agar hum dekhe to wo bhi log kaafi zyada stress से गुजर रहे हैं. सो राइट नाउ आई एम विद अ पर्सन जो कि जिनको 26 इयर्स का रिच एक्सपीरियंस है इन करियर काउंसलिंग एंड इन काउंसलिंग इन डेली लाइफ. सो अ वेरी वार्म वेलकम टू यू मैम. सो वी आर विद मिसेज शशि सेठी. सो हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन, थैंक यू. Nowadays काउंसलिंग जो है पेरेंट्स एवरीवन फील्स की काउंसलिंग एक दो बंदों ने आपस में इंसान बात करते हैं वो काउंसलिंग है, बट एक्चुअली काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है. हम इसको बड़ा वेग टर्म में यूज़ करने लग गए हैं. काउंसलिंग का मतलब, काउंसलिंग भी बहुत तरह की होती है, अलग अलग तरीके की होती है और उसमें अलग अलग मेथड्स भी होती हैं. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द करियर काउंसलिंग. करियर काउंसलिंग इफ़ वी वॉन्ट ए साइंटिफिक वे then it is a pattern made by American Psychological Association. All right, so जैसे कि हम देखते हैं कि जो students हैं वो काफ़ी ज़्यादा confused हैं अपने career को लेकर. So ma'am, according to you, career counselor की क्या importance है? Career counseling जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने आप को भी नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए, हम ज़िंदगी में क्या चाहते हैं. हम पीयर प्रेशर में आके या पेरेंट्स के प्रेशर में आके या किसी कोई बहुत अच्छा इंसान है आपकी आसपास है जिसकी सैलरी बड़ी अच्छी है, उसका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप उसके दबाव में आके या उसके स्टाइल से अट्रैक्ट होके आप डिसीजन ले लेते हो जो कि एक साइंटिफिकली नहीं है. हमें सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या इंटरेस्ट है, हमारा क्या एप्टीट्यूड है. एप्टीट्यूड होता है इनबॉर्न क्वालिटी. जब हमें अपनी इनबॉर्न क्वालिटी का पता चलता है तो हमें उसको पॉलिश करके हम उसमें ज़्यादा लाइफ में सेटिस्फाई रह सकते हैं. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं एंड स्ट्रेस और डिप्रेशन के बाद वो ड्रग्स या अल्कोहल की तरफ काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं. सो मैम, आपको किस टाइप के, आपको 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड आई मस्ट से दिस इज़ द बेस्ट करियर काउंसलर इन नॉर्थ. तो मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स इस एज में फेस करते हैं और उसका क्या रेमेडी हो सकती है? तो जो बच्चे हैं उनको जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं मोस्टली फैमिली से होती हैं. फैमिली से ये कि पीयर फैमिली का प्रेशर बहुत होता है उनको, क्योंकि एडोल्सन में बच्चे जो होते हैं वो एकदम वो समझते हैं कि वी नो एवरीथिंग, वी आर द मास्टर ऑफ आवर सेल्स, और उसमें हम पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंटिंग जो है हम उनको खींचना चाहते हैं कि वो ड्रग्स में ना जाएं, वो इधर उधर ना जाएं, तो हम उनके साथ बिहेव भी कई बार पेरेंट्स अच्छा नहीं करते, उसके कारण बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है. और दूसरा पीयर प्रेशर का बहुत स्ट्रेस होता है. तीसरा, आजकल के लाइफस्टाइल से बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे स्टूडेंट्स बहुत ही कम एज में जा रहे हैं. लाइक इन वी टॉक अबाउट 6th-7th क्लास के एज के स्टूडेंट का भी फेसबुक पर अकाउंट होगा. सो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? और साथ ही में आजकल ये प्रॉब्लम बहुत देखने को आ रही है कि स्टूडेंट्स के बहुत अर्ली एज पे रिलेशनशिप्स होते हैं. सो व्हाट यू थिंक कि इसका रीज़न क्या है और साथ ही में इसकी क्या रेमेडियल एक्शन हो सकता है? बिल्कुल ठीक है कि आजकल बच्चे 6th-7th में ही सोशल मीडिया में जा रहे हैं. उसका बहुत सारा रीज़न है हमारे पेरेंटिंग का और स्कूल का भी बीच में रोल है. अगर हम स्कूल में बच्चों को ठीक एजुकेशन देते हैं कि कौन सी एज में कहाँ पर कौन सा स्टेप लेना चाहिए, तो उसका भी इफ़ेक्ट बच्चों पर होता है. दूसरा, पेरेंट्स को ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया का एक्सपोज़र बच्चे को किस एज में देना चाहिए. हमारे पास आजकल सबके पास न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, चेक करने के लिए हमारे पास टाइम कम है. क्वालिटी ऑफ टाइम वी स्पेंड लेस विद द चिल्ड्रन और हम बच्चों को आउट साइड पर खेलने के लिए कम
परमिशन देते हैं। बच्चों में इस एज में 5 to 10 years और यू कैन से 5 to 15 years बच्चे में एनर्जी बहुत होती है, उसको जितना हम इम्पोर्टेंस बच्चों को पढ़ाई के लिए एकेडमी के लिए देते हैं, अगर हमें उतनी इम्पोर्टेंस उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी दें और उनका हम एक डिसिप्लिन बनाने के लिए खुद डिसिप्लिन हो और उनका टाइम टेबल बनाएं और उसके लिए हम चेक रखें कि सोशल मीडिया कहाँ भेजना है और किस एज पे देना है, तो मतलब नहीं है कि बच्चे जाएं। पर सो ये तो बात हुई 5th-6th class के बच्चों की, अब अगर हम बात करते हैं 9th to 12th class, तो इस जो एज ग्रुप है इसमें लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और उसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती एंड दे डोंट नो अबाउट इट, इसके बारे में उनको पता नहीं होता है बट दे जस्ट गेट इन टू दैट रिलेशनशिप्स। सो इसके लिए आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे एंड उनको कैसे हम फ्यूचर दिखा सकते हैं दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम और द राइट वे ऑफ अ रिलेशनशिप। सो इसके इस पर व्हाट डू यू वांट टू से मैम? आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे बहुत जल्दी फिजिकल रिलेशनशिप में जा रहे हैं, हमारे पास आते हैं हमारे बच्चे और वो बताते भी हैं हमें। इसके लिए भी मैं कहूँगी कि जो बच्चों को जैसे हम स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं या और सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ उन्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए एथिक्स क्या हैं, मॉरल्स वैल्यूज़ क्या हैं, वो एजुकेशन देनी भी उतनी ही ज़रूरी है। बच्चों को हार्मोन चेंजेस के कारण या ये साइट्स के कारण सेक्स एजुकेशन तो मिल जाती है पर वो सेक्स एजुकेशन अधूरी है, इसीलिए हम चाहते हैं कि पेरेंट्स खुल के बच्चों के साथ सेक्स के लिए टॉपिक पर, चाहे वो लड़की है या लड़का, उसके साथ बात की जाए ताकि बच्चों को सही दिशा मिले, सही एजुकेशन में जाएं। और जितने भी पेरेंट्स, मैं तो बार बार यही कहूँगी, जितना ही पेरेंट्स के साथ बच्चों का रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, इमोशनल बॉन्ड होंगे, उतना बच्चा इधर उधर रास्ते पे जाएगा ही नहीं, ना वो अफेयर्स में जाएगा, ना रिलेशनशिप में जाएगा, ना ड्रग्स में। अगर जाता भी है अट्रैक्शन के कारण वो वापस आ जाता है क्योंकि उसके बॉन्ड्स के कारण, उसकी शेयरिंग के कारण उसको पता चल जाता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो मैम जैसे कि आप जानते हैं एजुकेशन स्पार्क इंटीग्रेट कर रहा है ऑल द कॉलेजेस, ऑल द स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर, और इसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। सो व्हाट डू यू थिंक कि इस पर आपको क्या लगता है? लगा मुझे जानकर कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एजुकेशन के लिए लोगों को, बच्चों को, टीचर्स को, स्कूल्स को बहुत गाइडेंस मिल सकती है। मैम आप क्या विशेष देना चाहेंगी एजुकेशन स्पार्क मैगजीन एंड चैनल को? मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छा बने और बनेगा भी बहुत अच्छा, क्योंकि ये इस एरिया में ये पहली ऐसी मैगजीन है जिसके बच्चों तक पहुँच पाएगी या टीचर्स तक पहुँच पाएगी, और जितना इसमें अच्छा मटेरियल होगा, जितना लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा उतना ही ये चलेगा और बहुत अच्छा चलाया, बहुत अच्छा रहेगा। आई विश all the best to education spark and the whole unit also. Thank you so much ma'am, thank you.